दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे शैतान के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे इस फिल्म के अब तक की टोटल इंडिया नेट ग्रॉस ओवरसीज और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया में 15 करोड़ 20 लाख का नेट कलेक्शन किया था तो अपने पहले वीकेंड में 55 करोड़ का कलेक्शन किया था। अपने पहले हफ्ते में 81 करोड़ 7 लाख का कलेक्शन किया था। फिल्म ने अपने दूसरे वीकेंड में 23 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने 11वें दिन मैंने सोमवार के दिन में लगभग 3 करोड़ 8 लाख का कलेक्शन किया, जिससे इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 107 करोड़ 93 लाख हो चुका है। तो टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 128 करोड़ 80 लाख हो चुका है। इस फिल्म ने ओवरसीज में लगभग 30 करोड़ का कलेक्शन किया। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म के 11 दिनों को टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 158 करोड़ 80 लाख हो चुका है। बात करें दोस्तों इस फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन की तो ये फिल्म अपने 12वें दिन में इंडिया में लगभग 2 करोड़ 70 लाख का नेट कलेक्शन करने वाली है। आपको बता दूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 55 करोड़ है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट साबित हो चुकी है। बात करें इस फिल्म की आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.7 रेटिंग मिले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस में 200 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फिल्मों की सभी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।